मेरा ये जेट प्लांट का पौधा 4-5 साल पुराना है। इसे मैंने बॉन्साई बनाने के लिए बहुत बढ़ाया था, लेकिन इसमें वजन बहुत हो गया था। ये बाउंड्री के ऊपर रखा था, इसे मोर की शेप देना चाह रही थी ऐसे करके, लेकिन ये वजन की वजह से ये बाउंड्री पे से ऊपर से गिर गया और ये गमला टूट गया। अब मैं इसको दूसरे में शिफ्ट करूँगी, उसके बाद इसका बॉन्साई बनाऊँगी। इसकी जड़ें बहुत मोटी मोटी हैं। ये बॉन्साई बनाने के लिए मैंने इसकी कटिंग ज़्यादा नहीं करी थी, नीचे से कटिंग कर देती थी, वैसे छांटती भी रही, फिर भी ये बहुत लंबा है। इसका मोर की बॉन्साई बनाऊंगी। और इस गमले को शिफ्ट करूंगी, ये वजन की वजह से नीचे गिर के टूट गया। अब इसे दूसरे में शिफ्ट करूंगी। पहले इसे नीचे से काट के हल्का करती हूँ, उसके बाद में इस गमले को शिफ्ट करती हूँ। ये मैंने नीचे नीचे से इतना छांट दिया है, ये काट दिया, इसे दूसरी जगह लगा दूंगी। ये कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। इसकी जड़ें भी बॉन्ड हो गई हैं, अब इन्हें काट दूंगी, नीचे नीचे की जड़ें सारी की सारी, उसके बाद मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। मैंने इसकी मिट्टी के गलाने के लिए पानी में रख दिया है, वैसे इसकी जड़ साफ़ नहीं हो रही थी तो मैंने इसे पानी में रख दिया। पानी में रखे इसकी जड़ साफ करूंगी। ये मिट्टी मैंने पहले से ही बना के तैयार कर ली है इसके लिए, जेट प्लांट के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया है, थोड़ी सी सेंट है, कुछ बर्मी कंपोस्ट है इसमें, कुछ गोबर की खाद है और कुछ नीम की खली है। इसमें फंगीसाइड मिलाया है जो फंगस ना लगे उसके लिए। ऐसे करके मैंने ये मिट्टी तैयार करी है। अब इसमें इस पौधे को लगा देती हूँ, जो मैंने इसकी जड़ें साफ कर ली हैं पानी से। अब इसमें इसको लगा के रख देती हूँ। मैंने ये पौधा शिफ्ट कर दिया है, अब इसमें मैं पानी दे देती हूँ। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, जब इसको बॉन्साई के लिए तैयार करूँगी, इसका मैं मोर वाला बॉन्साई बनाऊँगी। यहाँ से काट दिया है मैंने, इसकी ये जड़ें भी बहुत लंबी हैं। इसमें मैंने फंगीसाइड मिला के पानी दिया है, जो कि पौधे में फंगस न लगे। बारिश का मौसम है, फंगस बहुत जल्दी लगती है।